Hello and welcome to our YouTube channel Competition Community. I am Ajit Kumar, Faculty of English Language. In today's video, we will discuss over the number of questions of individual sections of English are asked in your CHSL Tier 1 exam. तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपके SSC CHSL Tier 1 exam में English के कौन कौन से सेक्शन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें कि SSC CHSL Tier 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे 100, और इसमें चार सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड GKGS, ठीक है। और चारों ही सब्जेक्ट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात कि चारों ही सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। तो इंग्लिश को जनरली हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पहला कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा वोकेबलरी और तीसरा ग्रामर। तो आइए अब हम लोग स्लाइड की तरफ चलते हैं और फटाफट इनको जानने समझने का प्रयास करते हैं कि इनसे अपने एग्जाम में CHSL Tier 1 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इंग्लिश को सामान्य तौर पर हम लोग तीन क्राइटेरिया में बांट के पढ़ते हैं। अब ये जो कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है, इसमें किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में पैसेज पूछा जाता है, इसी में क्लोस्टेस पूछा जाता है, और इसी में सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में या कई बार हम लोग पीकी वायरस के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग इसी को पैराजम्बल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन पार्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें से अपने SSC CHSL Tier 1 में पैसेज से यदि आप पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे तो देखेंगे कि पैसेज से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट से आप देखेंगे 5 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको हम लोग PQRS या फिर एग्जाम्पल के नाम से भी जानते हैं, इससे लगातार 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग वोकैब के सेक्शन में। तो वोकैब को अपने SSC एग्जाम में 5 पार्ट में डिवाइड करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला सिनोनिम्स, जिसको हम लोग समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द के रूप में हिंदी में जानते हैं, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा एंटोनिम्स, जिसको हम लोग विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द के रूप में हिंदी में जानते हैं, इससे आपके SSC CHSL Tier 1 में 2 क्वेश्चन लगातार हर साल पूछे जा रहे हैं। फिर अगली बारी आते हैं ईडियम्स, जिसको हम लोग हिंदी में मुहावरे के रूप में जानते हैं, इससे भी लगातार 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर मिस स्पेल्ड, ये जो मिस स्पेल्ड का सेक्शन है, इसमें आपके एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या तो करेक्टली स्पेल्ड पूछा जाता है या रॉन्गली स्पेल्ड आपसे पूछा जाता है। तो चाहे जो भी पूछा जाए, इससे हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली बारी आती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में OWS के नाम से जानते हैं, इससे हर साल 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को हिंदी में हम लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द के रूप में जानते हैं। अगली बारी आती है ग्रामर की। ग्रामर की यदि हम लोग बात करें तो आप देखेंगे अपने CHSL Tier 1 में सबसे पहले एक कॉमन एरर का सेक्शन दिखाई पड़ता है, जिसमें आप जो इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा जैसे टेंस हो गया, फिर जैसे नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, क्वेश्चन टाइप हो गया, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के ग्रामर के सेक्शन में 2 पार्ट होते हैं, पहला कॉमन एरर का पार्ट और दूसरा होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट, क्योंकि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का जो पार्ट होता है उसमें भी ग्रामर अप्लाइड होता है। तो ये दोनों ही ग्रामर के सेक्शन। तो कॉमन एरर के रूप में आपसे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के रूप में आपसे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नरेशन से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वॉइस से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन सबों को यदि हम लोग समअप करें तो हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन से 7 क्वेश्चन, वोकैबुलरी के पार्ट से 10 क्वेश्चन, ग्रामर के पार्ट में 6 क्वेश्चन, और मिसलेनियस में हमने फिलर को रखा है। क्यों रखा है फिलर को? क्योंकि जो फिलर के क्वेश्चन होते हैं वो कई बार आपके केवल वोकैब के अप्रोच से बन जाते हैं, कई बार केवल ग्रामर के अप्रोच से बन जाते हैं, और कई बार उस फिलर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन तीनों ही सेक्शन का यूज़ करना होता है, इसलिए हमने फिलर को मिसलेनियस के पार्ट में रखा है। तो फिलर से लगातार हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और इस प्रकार से इंग्लिश के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं आपको 25। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा पाई चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करें, इनके परसेंटेज वेटेज को हम लोग समझें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जिसमें क्लोज से 5 क्वेश्चन था, रीअरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, सिनोनिम्स से 2 क्वेश्चन, एंटोनिम्स 2 क्वेश्चन, ओडब्ल्यूएस 2 क्वेश्चन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से 2 क्वेश्चन, मिस स्पेल से था 2 क्वेश्चन, फीलर से था 2 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन थे, कॉमन एरर से 2 क्वेश्चन, नरेशन से 1 क्वेश्चन और वॉइस से भी 1 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो रेड कलर में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये अपना कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट था। तो इस कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को यदि हम लोग देखने का प्रयास करें तो हम लोग देखेंगे कि इसे 28% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्रामर के सेक्शन की यदि हम लोग बात करें तो ये 8% 4 एंड 4, दैट इज इन ग्रामर के सेक्शन से 24% क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई पड़ते हैं। वोकैब के सेक्शन की बात करें तो वोकैब का ये बड़ा सा सेक्शन है और इससे अकेले आपके CHSL टीयर 1 अर्थात प्री के एग्जाम में 40% क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये जो मिसलेनियस का पार्ट है, फिलर का पार्ट है, इससे 8% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे के क्लास से, नेक्स्ट क्लास से हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे और उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर के रूल याद होते नहीं, रटने पर भी याद नहीं होते, तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसको आसानी से समझेंगे और समझ के तुरंत उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कई क्वेश्चन को हम लोग लगाते चलेंगे, उसको सॉल्व करते चलेंगे, सो दैट कि आपके ब्रेन में वो जो रूल है, वो जो कॉन्सेप्ट है, इजिली बैठ जाए। ठीक है, और आपको रटने से मुक्ति मिल सके। तो हम लोग काफ़ी प्रैक्टिकल वे में, व्यवहारिक अप्रोच के साथ ग्रामर को या पूरे इंग्लिश के सेक्शन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और इसे ज़्यादा आप देखने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए, ACC के किसी भी सेक्शन को ठीक से जानने समझने के लिए, उसको डिटेल वे में जानने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन चल रहा है। तो इस कारण से भी आप खुद भी या आपके जो भी रिश्तेदार हों, संबंधी हों, पड़ोसी हों, मित्र हों, भाई बहन हों, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहें आगे के आने वाले वीडियोस को। थैंक यू।